बड़ी प्राउड फीलिंग होती है कि आपने कोई गोल रखा होता है और वो अचीव हो जाए, और ये एक गोल नहीं, 5 बहनों का कंसेक्टिव एक ही जैसा गोल अगर अचीव हुआ तो ये वाकई बड़ी प्राउड फीलिंग थी। हम 5 बहनों का NOAA के साथ अटैचमेंट है और 5 के 5 ने NOAA से पढ़ा है। आई वॉज इन बैच 156 ऑफ NOAA। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि MBBS के बाद आपने CSS क्यों किया है, तो FPSC की रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएशन के बाद CSS करेंगे। वाई डज दिस क्वेश्चन इवन पॉप अप कि लड़कियां CSS करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर वो कोई घर बैठ के और घर पे तैयारी भी कर रहे हैं तो दैट इज टोटली ओके। जब CSS की प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो आई वॉज प्रॉब्ली ऑन लेवल 1। प्रेपरेशन पूरी हुई, एग्जाम में अपीयर होने से पहले इट वॉज समवेयर अराउंड 100। वहाँ पे क्योंकि माहौल ऐसा बना होता था, सब तैयारी कर रहे हैं तो हर के साथ कुछ ना कुछ बातें, डिस्कशंस, टॉपिक्स। मैं अपनी सक्सेस वैसे अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली अपनी मॉम को। ये बड़ा अजीब सवाल है। मैंने अपने पेपर्स में इंतहाई सिंपल, कॉमन, नॉर्मल इंग्लिश लिखी थी पर करेक्ट थी। मुझे बहुत कोफ्त होती थी न्यूज़पेपर पढ़ने से। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, और एक होते हैं शूटर्स जो कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी बहुत गंदी हैंड राइटिंग है और वो बहुत अच्छे ग्रुप्स में एलोकेटेड है। NOAA के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरा और गुजर रहा है। NOAA के हर मेंटोर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। एज आई सेड के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे। NOAA फैमिली है। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि MBBS के बाद आपने CSS क्यों किया है, तो FPSC की रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएशन के बाद CSS करेंगे। एंड ग्रेजुएशन कैन बी एनी ग्रेजुएशन ऑफ योर लाइकिंग। आई लाइक्ड MBBS मोर। आई गॉट एन एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, सो आई कंप्लीटेड दैट, और उसके बाद CSS। हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट भी था, और उसमें हमें एक बात हम पढ़ते हैं कि इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स। जब ग्रेजुएशन एक लड़का और लड़की सेम कर रहे हैं, CSS का रिटन क्वालिफाई इकट्ठा सेम कर रहे हैं, इंटरव्यू में इकट्ठे एक जैसे पैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, वाई डज दिस क्वेश्चन इवन पॉप अप कि लड़कियां CSS करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उनके लिए मैं ये कहूँगी कि एक्सपोजर सूनर और लेटर लाइफ में हो ही जाता है, तो अगर वो कोई घर बैठ के और घर पे तैयारी भी कर रहे हैं तो दैट इज़ टोटली ओके। मैंने मेट्रिकुलेशन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल रावलपिंडी से की है। उसके बाद फौजी फाउंडेशन कॉलेज से मैंने FSC की, प्री मेडिकल। उसके बाद मैंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया और फिर CSS 2017 में CSS क्वालिफाई किया, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। MLCG मेरी 5th चॉइस थी, और आपके मेरिट के हिसाब से और आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपके इंटरव्यू के मार्क्स, रिटन के मार्क्स सब एडअप होके आपको बताते हैं कि आप कौन से ग्रुप में फॉल करते हैं। CSS की बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि ब्रेक करने की ज़रूरत है। सबसे पहली तो ये है कि कुछ भी कहीं से भी पूछ लेंगे। FPSC की एक रिकमेंडेड और गिवन आउटलाइन है, उसको जो सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं आप उन सब्जेक्ट्स की आउटलाइन को गो थ्रू करें, उनके रिलेटेड टॉपिक्स तैयार करें, पेपर उसी में से होगा। MBBS का ये फ़ायदा हुआ ज़रूर कि जो ये मिथ, ये बात है बहुत सारी मशहूर के डॉक्टर्स जो हैं वो CSS ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनका कोई पहले से कोई नॉलेज उनके जहनों में होता है, वो इसलिए क्वालिफाई कर जाते हैं कि स्टेमिना बहुत होता है और इकट्ठे बैक टू बैक बहुत सारे घंटे वो पढ़ने की उनकी आदत होती है। बाकी जहाँ तक ये बात है मेरी, तो मैंने एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम में पढ़ा था। मैंने 6-8 महीने तैयारी की, लेकिन ये है कि जो आउटलाइन FPSC ने दी हुई थी वो पूरी तैयार की। जिन बच्चों ने अभी तक CSS की तैयारी शुरू नहीं की उनको मैं ये कहूँगी कि FPSC की स्टेप नंबर 1 आउटलाइन डाउनलोड करें, उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करें, उसके बाद वो सेल्फ स्टडी करते हैं या वो किसी अकेडमी ज्वाइन करते हैं, अपने अकेडमीज़ के नोट्स तैयार करें। नोट्स के बाद स्टेप नंबर 4 होगा जहाँ पे वो अपने बुलेट्स नोट्स को शॉर्ट करेंगे। दैट इज़ हाउ इट गोज़। 2 ब्लंडर्स CSS की तैयारी में बड़े फेमसली नोन है मेरे, जिसमें से एक काफ़ी वायरल भी हुआ था पहले। एक ये कि CPEC को मैंने सर क्लास में पढ़ा रहे थे और मैंने हेडिंग लगाई थी SEAPACT। वो इसलिए कि आई लॉ की क्लासेस पहले हुई थी और मैंने सोचा कि कोई समुद्रों से रिलेटेड मुआहिदा हुआ होगा, तो वो CPEC की हेडिंग लगाई, जिस पे काफ़ी मैं क्लास में डांट छांट भी बढ़ गई और फिर ये बड़ा मजाक बन गया इस बात पे। फिर लेटर ऑन CPEC समझ आई तो आइडिया हुआ कि अच्छा ये इस तरह। तो ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आई स्टार्टेड देयर एंड दिस इज़ वेयर एवरीबडी स्टार्ट्स, तो इस पर डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही। दूसरा किस्सा ये था कि सर लेक्चर दे रहे हैं क्लास में और मैं बड़ी तेज़ी से सारा लेक्चर नोट डाउन करती थी, और उसमें मैंने लिखा कि बुक्टी साहब जो हैं ही हैड अ मलेशिया। सर ने बोला ही हैड इज़ ओन मलेशिया स्टेट विद इन स्टेट। तो वो मलेशिया मैंने अभी नोट्स कहीं जब खोले दोबारा इंटरव्यू की तैयारी देखते हुए, तो वहाँ मैंने देखा कि बुक्टी साहब के आगे मलेशिया MALAYSIA। ही हैड हिज ओन मलेशिया इंस्टेड ऑफ मिलिशिया विच इज़ द मिलिट्री ही हैड। तो इट हैपन्स। जब CSS की प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो आई वॉज प्रॉब्ली ऑन लेवल 1। जब प्रेपरेशन पूरी हुई, एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले इट वाज समवेयर अराउंड 100. तो बात यह है कि आप सीखते हैं, लर्न करते हैं और डेली कुछ ना कुछ आपको समझने को, सीखने को मिलता है. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम नोआ. डेली क्लासेस में टीचर्स, वहाँ पे क्योंकि माहौल ऐसा बना होता था, सब तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक के साथ कुछ ना कुछ बातें, डिस्कशंस, टॉपिक्स. तो वही वाली एग्जांपल के CPEC था व्हेन आई केम, और जब मैं निकल रही थी तो इट वाज श्योरली CPEC. आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट ऑल माई लाइफ, ना बहुत लायक ना बहुत नालायक. आई वाज समवेयर इन बिटवीन, लेकिन पढ़ने वाली बंदी थी और CSS के टाइम पे काफ़ी सीरियस तैयारी की थी, अच्छे से पढ़ा था. मैं अपनी सक्सेस वैसे अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली अपनी मॉम को. और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों, मुझे याद है कि हम छोटे थे और बचपन में जब समर वेकेशन होती थी तो मेरी मदर सारा सिलेबस, क्योंकि वो क्लासेस आपकी समर वेकेशन से पहले स्टार्ट होती थी, वो सारा सिलेबस लेके हम लोगों को वेकेशन में पूरा ख़त्म करा के, याद करवा के, सॉल्व करवा के हम वापस स्कूल जाया करते थे. तो मेरा ख्याल है जब इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बेस बिल्ड हो रही हो तो आप ज़रूर कामयाब होते. जब हमारा रिज़ल्ट आया तो मेरी मॉम उम्रे पे थी और मुझे याद है जिस तरह जब मेरी उनसे बात हुई, शी स्टार्टेड क्राइंग. वो इतनी खुश थी कि उनकी आवाज़ में रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के घर से एग्जैक्टली यही मांग रही थी कि मेरी दोनों बच्चियाँ पास हो जाएँ, और अल्लाह का करना हुआ कि दोनों बेटियाँ उनकी उस साल पास थीं. दोबारा इंग्लिश का बहुत सारा मेन रोल है CSS क्वालिफाई करने में. 12 सब्जेक्ट्स हैं, वैसे तो हर सब्जेक्ट पास होगा तो आप क्वालिफायर होंगे. अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हैं तो आपका CSS क्वालिफाई नहीं होगा. लेकिन इंग्लिश का सबसे मेन रोल इसलिए है क्योंकि 100 मार्क्स का पूरा एसे और 100 मार्क्स का पूरा ग्रामर का पेपर है जो कि यूजली फेल कर दिया जाता है. और वो इसलिए फेल हो जाता है कि बच्चे ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं और उनको बाकी सब चीज़ें बड़ी अच्छी तैयारी होगी, लेकिन वो जो इंग्लिश की बेसिक लैंग्वेज की गलतियाँ हैं वो उनको फेल करा देती. ये एक और मिथ है CSS के बारे में कि आपने बड़े बड़े फ्लावरी वर्ड्स और फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आप CSS क्वालिफाई करेंगे. मैंने अपने पेपर्स में इंतहाई सिंपल, कॉमन, नॉर्मल इंग्लिश लिखी थी पर करेक्ट थी, और अच्छे मार्क्स के साथ ग्रामर की टॉपर होते हुए इंग्लिश पास की है. बड़ी प्राउड फीलिंग होती है कि आपने कोई गोल रखा होता है और वो अचीव हो जाए, और ये एक गोल नहीं, 5 बहनों का कंसेक्टिव एक ही जैसा गोल अगर अचीव हुआ तो ये वाकई बड़ी प्राउड फीलिंग थी. ये वायरल प्रॉब्लम इसलिए हो गई थी क्योंकि 5 लड़कियां, और लड़कियों को पढ़ाना लिखाना इटसेल्फ एक बड़ा अजीब सा इमेज है पाकिस्तान में. इतना पढ़ाने लिखाने की तरफ, औरतों के पढ़ाने लिखाने की तरफ ध्यान नहीं है, तो ये इसलिए शायद इतनी वायरल हो गई थी कि 5 लड़कियां होते हुए ग्रेजुएट होने के बाद CSS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें. नहीं, वो प्रेशर इतना नहीं था. वो प्रेशर से ज़्यादा ये था कि वो हेल्प थी ज़्यादा. जिन बहनों ने क्वालिफाई किया हुआ था वो हर वक्त हेल्प करते रहती थी, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बुक्स कौन सी अच्छी हैं, ऑथर्स कौन से अच्छे हैं. दैट हेल्प्ड. ऐसे में एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि फॉलो करना होता है. आपने इंटेंटेशन करनी है, जो कि मैंने 1000 पेपर्स देखे हैं जिसमें 1 इंच स्पेस छोड़नी है आपने हर पैराग्राफ से पहले. 99% लोग वो नहीं कर रहे. दूसरा ये कि आप आउटलाइन बनाएं, आप टॉपिक से मत हिलें. लोगों का ज़्यादा फोकस लैंग्वेज के ऊपर है. फिगरेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाएं, बड़े बड़े अल्फाज यूज़ किए जाएं. वो शायद आपके उन अल्फाज से ज़्यादा फोकस आपके कंटेंट पे कर रहे होते हैं जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होते. प्रेसी में फिर से दोबारा वही बात है कि ग्रामर एक मैथमेटिकल, जैसे मैथ का पेपर होता है एग्जैक्टली वैसा प्रेसी का पेपर होता है. आपको प्रॉपर रूल्स, फार्मूलाज आते हैं, आप वो चीज़ गलत कर ही नहीं सकते. इस्लामियात के सब्जेक्ट में एक सिंपल सी बात है कि आपने एक दरमियान का रास्ता रखना है और बड़ा एक आम स्टांस, सीधा सा स्टांस देना है. अगर आपके पेपर से ये पता चल जाए कि आप किस सेक्ट को सपोर्ट करते हैं या किस सेक्ट के आप खिलाफ हैं. बच्चे कई दफ़ा इस किस्म के पेपर अटैम्प्ट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी एक सेक्ट को सपोर्ट और किसी के खिलाफ लिख जाते हैं. इस किस्म की बातें जो आपके सबकॉन्शियस में होती हैं वो आपको पेपर में हर्ट करती हैं. मुझे बहुत कोफ्त होती थी न्यूज़पेपर पढ़ने से, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने का भी एक तरीका है प्रॉपर. आपने पेज 1 पढ़ना है, आपने ओपिनियन पेज पढ़ना है. डे 1 से बच्चे कहते हैं हम 4-8 घंटे बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं. ये गलत प्रैक्टिस है. जनरल साइंस एंड एबिलिटी में सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर होने ने इतना खास हेल्प नहीं किया क्योंकि उसमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं है. बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें आते हैं, और उसके अलावा उसमें ज्योमेट्री और मैथ भी इंक्लूडेड थे. तो कुछ बच्चे मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे, कुछ लॉजिकल रीजनिंग में करेंगे, कुछ केमिस्ट्री में करेंगे, कुछ एनवायरनमेंट में करेंगे, कुछ बायो में करेंगे. तो ये डिफरेंट है. आर्ट्स के बच्चों के लिए ये है कि बिल्कुल बेसिक लेवल की साइंस है. तो सन क्या है, अर्थ से कितना दूर है, प्लैनेट्स क्या हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं. वॉल्केनोज क्या हैं, माउंटेंस क्या हैं, ये मेरा ख्याल है ये हर बच्चा कर सकता है. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं टू अंडरस्टैंड. सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है. और एक होते हैं शूटर्स जो कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं. कुछ हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री की तरह के सब्जेक्ट्स जो टोटली लो स्कोरिंग है सिंस एवर, और कुछ हैं जो हर साल वेरिएशन होती है जिनमें. कुछ किसी साल शूटर होता है, कोई किसी साल वो सब्जेक्ट टारगेटेड होता है, सो इट वेरीज एवरी ईयर। मैंने 12 के 12 सब्जेक्ट्स जो अपीयर किए थे सीएसएस में, वो सारे वो थे जो मैंने पीछे कभी नहीं पढ़े हुए थे पहले। तो आपने अगर वो पहले से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आउटलाइन दी हुई है, टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो पढ़ने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं और पेपर देना। वो बच्चा जिसने जो सब्जेक्ट मास्टर्स में पढ़ा है और फिर वो उसको ऑप्ट करता है या नहीं करता, इसका जज वो बच्चा खुद है। मास्टर्स में अगर उसकी उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत एक्सीलेंट थी, डेफिनेटली रखे, और अगर उसको वो सब्जेक्ट नहीं ठीक आता, चाहे उसकी डिग्री है उसमें, डोंट टेक इट। 2017 के अटैम्प्ट में टीचर्स के बताए हुए सब्जेक्ट्स को चूज़ किया था, और 19 में क्योंकि मैं कॉमन ट्रेनिंग के साथ एग्जाम दे रही थी तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वर सेम, ज़्यादा मैं चेंज नहीं कर सकी क्योंकि तैयारी का टाइम नहीं था। 2-3 को चेंज किया, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री की जगह जेंडर स्टडीज़ रखा क्योंकि जेंडर में इंटरेस्ट था, वो मुझे पिछली बार भी रख लेना चाहिए था पर फॉर सम रीज़न नहीं रखा। और एक और सब्जेक्ट चेंज किया, साइकोलॉजी को चेंज करके मैंने एंथ्रोपोलॉजी रखा। मेरे हाईएस्ट स्कोर थे इंग्लिश ग्रामर में, वो टॉप किया था, आई हैड 72 मार्क्स आउट ऑफ 100। कंपल्सरी में मेरे हाइस्ट मार्क्स थे इंग्लिश ग्रामर में, प्रेसी के पेपर में, और वो थे 72 आउट ऑफ 100, और वो हाइस्ट भी थे मेरे बैच के। ग्रामर में इसलिए हाईएस्ट मार्क्स आ गए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने की हैं। ये हमारी एक मिसकंसेप्शन है जो हम समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारी, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु बिलीव के ग्रामर में अंडरस्टैंडिंग होगी, आप इंग्लिश समझेंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती। पेयर ऑफ वर्ड्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू हैव टू लर्न दैम। इडियम्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू लर्न दैम। आपने फ्रेजल वर्ब्स याद करने हैं, आपने GRE की सारी वर्ड लिस्ट जो है 3500 अल्फाज याद करने हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव टू बी लर्नड बाय हार्ट। वोकैबुलरी याद करने का एक तरीका है, एक स्पेशल तरीके से वोकैबुलरी याद की जाती है। हमारे मेडिकल के एंट्री टेस्ट पे वो याद की थी तो इट हेल्प्ड, लेकिन जो लोग नए याद कर रहे हैं उनके लिए तरीका ये है कि वो फ्लैश कार्ड्स बनाएं। आप एक A4 साइज़ पेपर को 3 दफ़ा फोल्ड करें तो इस साइज़ के, इतने साइज़ के 8 पेपर्स निकलते हैं। उसके फ्रंट पे आप लफ्ज़ लिखें और बैक साइड पे उसका मीनिंग लिखें, और फिर जब आपके 16 अल्फाज होते जाएं तो उनको रैप करके इकट्ठे बंडल्स बनाते जाएं। आपको जब टाइम मिले आप अपना एक बंडल रिवाइज कर लें, जहाँ पे आपको उस वर्ड का मीनिंग भूले आप पीछे मोड़ कर उसका मीनिंग देख सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ यू कीप रिवाइजिंग एंड लर्निंग। मेरे सबसे अच्छे मार्क्स IR में थे, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और 117 आउट ऑफ 200 थे। IR मेरी उस तरह क्लियर थी जैसे शायद किसी मास्टर्स किए हुए बच्चे ने IR इतनी क्लैरिटी होगी। पेपर अटेम्प्टेशन एक पूरी साइंस है, और पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक्स का एक चीज़ जो बच्चों को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हर पेपर की अटेम्प्टेशन डिफरेंट है, और हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट उनको ये बताएगा कि किस पेपर में क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। एसे की रिक्वायरमेंट फ़र्क होगी, ग्रामर की डिफरेंट होगी, थेरी वाले जो IR के पेपर्स हैं उसमें आपने थेरी इंप्लीमेंट करनी है वो डिफरेंट होगी, करंट अफेयर्स का पेपर डिफरेंट तरीके से अटैम्प्ट किया जाएगा। तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से जिस तरह वो बताया जा रहा हो वो उस तरह अटैम्प्टेशन की जाए। ये बड़ा अजीब सवाल है, एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए, ये सवाल बड़ी, मैं इस क्वेश्चन से इरिटेट भी होती हूँ क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब मैं जिस तरह पढ़ती थी तो मैं 16-18 घंटे बैक टू बैक पढ़ने की आदी हूँ, आई कैन डू दैट। लेकिन अगर आप यही 16-18 घंटे आखिरी 2 महीने बैठ के कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप 6 महीने तैयारी पहले शुरू करके 4 घंटे रोज़ाना कर लें। तो ये एक बंदा दिन में 15 घंटे पढ़ सकता है, एक बंदा दिन में 2 घंटे पढ़ सकता है। तो काइंडली अपने सिलेबस को डिवाइड करें कि डेली के लिए इतने टॉपिक्स रखें, मैंने आज दिन में इतने टॉपिक्स करने हैं, चाहे वो टॉपिक्स 2 घंटे में होते हैं या चाहे वो 10 घंटे में होते हैं, वो फिर आपके स्टेमिना पर डिपेंड करता है। मेरी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, हेडिंग्स लगाना, तकरीबन हर पेज पे मेरी 2 से 3 हेडिंग्स ज़रूर होती थी, मैप्स होते थे, फ्लो शीट्स होती थी, और एक रिक्वायर्ड लेंथ जो आपको 20 नंबर का सवाल अटैम्प्ट करने के लिए चाहिए वो उतनी में हर क्वेश्चन की उतनी होती थी। और ट्राई करें कि हर क्वेश्चन की लेंथ बराबर हो, 4 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, चारों की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। राइटिंग का कोई लेना देना नहीं है CSS के एग्ज़ाम के साथ। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी बहुत गंदी हैंड राइटिंग है और वो बहुत अच्छे ग्रुप्स में एलोकेटेड है। बिल्कुल इसकी क्लासेस ऑनलाइन ली जा सकती हैं और तैयारी भी ऑनलाइन की जा सकती है, इनफैक्ट वो बेहतर होगा। आने और जाने का जो ट्रैवल टाइम है वो भी बच रहा है और उसमें भी पढ़ रहे होंगे बच्चे। ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव हैं, और वही टीचर्स जो नॉर्मल क्लासेस ले रहे थे वही सब टीचर्स ऑनलाइन ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल है देयर इज़ नो डिफरेंस। डिग्रीज़ को CSS के साथ कनेक्ट करने की हमारी पुरानी आदत है, लेकिन मेरा ख्याल है वी शुड लेट इट गो। वो इसलिए कि एफपीएससी जब आपको कह रही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए विदाउट एनी स्पेसिफिकेशंस, वो नहीं बता रहे कि इस चीज़ का ग्रेजुएट हम यहाँ भेजेंगे या इस चीज़ का ग्रेजुएट चाहिए और इसका नहीं चाहिए। सब ग्रेजुएट एक जैसे उनके लिए सीएसएस में अपीयर होने के लिए अलाउड हैं। ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात कहती भी रहती हूँ और यहाँ पे भी दोबारा कहूँगी कि आप लोग अपने जो इंटरेस्ट्स हैं उनको कंटिन्यू रखें, लेकिन उसमें काइंडली एक रीडिंग का इंटरेस्ट ऐड कर लें। कुछ लोगों को नेचुरली रीडिंग की आदत होती है और कुछ को नहीं होती, जिनको है वो तो ग्लैडली कंटिन्यू करें, लेकिन जो आर्टिस्ट्स हैं, कोई पेंट करते हैं, कोई सिंग करते हैं, उसके साथ ऐड ऑन अपनी रीडिंग को भी कर लें प्लीज़। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी 6 महीने की तैयारी थी, 4 महीने एकेडमी ज्वाइन की थी और अगले 2 महीने सेल्फ स्टडी थी, लेकिन एकेडमी के साथ साथ भी नोट्स प्रेपरेशन और वो चीज़ें स्टेप्स मेरे होते चले जा रहे थे। मैं 16-18 घंटे बैक टू बैक पढ़ने की आदी हूँ, आई कैन डू दैट। लेकिन अगर आप यही 16-18 घंटे आखिरी 2 महीने बैठ के कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप 6 महीने तैयारी पहले शुरू करके 4 घंटे रोज़ाना कर लें। तो ये एक बंदा दिन में 15 घंटे पढ़ सकता है, 1 घंटा, एक बंदा दिन में 2 घंटे पढ़ सकता है। तो काइंडली अपने सिलेबस को डिवाइड करें कि डेली के लिए इतने टॉपिक्स रखें, मैंने आज दिन में इतने टॉपिक्स करने हैं, चाहे वो टॉपिक्स 2 घंटे में होते हैं या चाहे वो 10 घंटे में होते हैं, वो फिर आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है। नोआ के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरा और गुजर रहा है। यहाँ पे बहुत फ्रेंडली सा बिहेवियर था। मैंने जिस तरह बताया कि मैं बहुत स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे स्नब किया गया या डीमोटिवेट किया गया। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ सिखाते रहे, पढ़ाते गए और बताते गए। तो उससे मैंने अपनी एक वो भी बना ली है आजकल की कि जो पढ़ते हैं वो बढ़ते हैं, एंड इट्स ओके टू नॉट नो बट इट्स नॉट ओके टू नॉट ग्रो। So that is how it is and that is how NOAA has always been. NOAA के हर मेंटोर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। As I said कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे। सर ने ना सिर्फ इस्लामियात बल्कि सब्जेक्ट सिलेक्शन, जब कोई प्रॉब्लम होता था, डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, हर टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। हम 5 बहनों का NOAA के साथ अटैचमेंट है और 5 के 5 ने NOAA से पढ़ा है। जो सबसे पहली बहन थी उसके टाइम, तैयारी के टाइम पे NOAA एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर ये टीचर्स एग्जिस्ट करते थे, तो उन्होंने इसको तैयारी करवाई हुई थी। फिर इंटरव्यू के टाइम पे इनफैक्ट जब NOAA बनी, जो इसका पहला बैच था और जो पहली स्टूडेंट थी रोल नंबर 1, दैट वाज माय सेकंड सिस्टर। फिर उसके बाद मैं 3rd हूँ, फिर 4th और 5th। सबसे छोटी बहन भी अब NOAA से ही पढ़ के CSS पास किया। आई वॉज इन बैच 156 ऑफ NOAA। NOAA फैमिली है।